जिस आरजेडी में टूट का दावा किया जा रहा है वो फिलहाल खोखला दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त हम आरजेडी के विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर में हैं। और जिन 13 लोगों की सूची की बात की जा रही है कि 13 लोगों ने पार्टी तोड़ी है, उनमें से 4 विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद हैं, ललित यादव मौजूद हैं, दुर्गा जी प्रसाद मौजूद हैं और अब्दुल गफूर मौजूद हैं। पूछते हैं इन्हीं लोगों से, सर ये बताया जाए कि पूरी तरीके से ये दावा हो गया है कि 13 विधायक टूट चुके हैं, उन्होंने स्पीकर को लिख करके दे दिया है, क्या है सच्चाई? देखिए, जिसने भी 13 विधायकों की सूची दी है उन्होंने मिसचीफ की है किसी लालच से और सरकार के साथ पर। अब 13 की सूची में जो 3 विधायक का नाम दिया जा रहा है, अब्दुल गफूर साहब का, ललित यादव का, दुर्गा प्रसाद सिंह का, तो जैसे जैसे खबर मिल रही है लोगों को वो दौरे चले आ रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया, हमने तो कोई सिग्नेचर किया नहीं है। और हमने के मैं अगर चलते सत्र के दौरान कॉल अटेंशन के नाम पर किसी ने दस्तखत करा लिया हो तो या कौन से लोग हैं मिसचीफ करने वाले, इसका पर्दाफाश। ये माना जाए कि आप लोग पूरी तरीके से लालू यादव के साथ हैं, रहेंगे, राजद विधायक दल के साथ हैं, नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद हैं उनके साथ हैं, और जब भी किसी भी तरह का संकट आया है राजद परिवार एक साथ रहा। हमारे साथ और कई विधायक हैं, ललित यादव जी आपका नाम चल रहा है, अब्दुल गफूर जी आपका नाम चल रहा है, क्या स्थिति है बताइए? आपका नाम 13 लोगों की सूची में है। अब 13 लोगों के सूची में कौन नाम प्रस्तुत किए हमको ये जानकारी नहीं है, और विधानसभा में हम लोग कॉल अटेंशन करते हैं, बहुत सारे विधायक हम लोग एक दूसरे के आदान प्रदान कर, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है कि हम लोग पार्टी तोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। यदि जाएंगे तो खुलम खुला डंके की चोट पर जाएंगे और इस तरह से नहीं जा सकते हैं, नहीं जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, यदि जाएंगे तो खुलम खुला जाएंगे, डंका के चोट पर जाएंगे। इस तरह से गुपचुप में कहीं सूची कोई कौन दे दिया नहीं दे दिया, किसका नाम है किसका नाम नहीं है, ये आप लोगों के द्वारा हम लोगों को जानकारी होती है। ललित यादव का कहना है कि जाएंगे तो खुलम खुला जाएंगे, अब्दुल गफूर जी आप लालू यादव के साथ खड़े हैं या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ जा सकते? बिल्कुल पूरे मन से विचार से लालू यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ मजबूती के साथ और राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग बने हुए हैं। हमने किसी भी कागज दल बदलने वाले कागज पर दस्तखत नहीं किया है। एक सम्राट चौधरी ने एक बार ध्यानाकर्षण के नाम पर हमसे दस्तखत जरूर कराया था 2 महीना पहले, और फिर एक बार दस्तखत कराया कि हमको टिकट मिले लोकसभा का, लालू जी को लिखेंगे तो दस्तखत कर दिया था। लेकिन दल बदलने के नाम पर या स्पीकर को अलग ग्रुप बनाने के नाम पर या पार्टी छोड़ने के नाम पर कभी कोई विचार उसके साथ न हुआ न कोई दस्तखत किए। बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से दस्तखत कराए गए हैं और सम्राट चौधरी ने ही कराया है, अगर कराया है तो। दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ हैं, दुर्गा जी ये बताइए कि क्या आप लोग पूरी तरीके से लालू यादव के साथ हैं या जैसा कि कहा जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ भी सकते हैं? पार्टी छोड़ने का अभी कोई मुद्दा नहीं है, आने वाले वक्त में, ये आने वाला वक्त जवाब देगा, अभी कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अभी जिस मुद्दे पर बात आई है, न्यूज के माध्यम से पता चला है कि 13 व्यक्ति का सूची में नाम है, उसमें किनका नाम है ये मैं न्यूज खुद देखा नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे फोन आए, उसमें टीवी देखने वाले लोगों ने बताया कि आपका भी नाम है। हमको नहीं मालूम किस सूची में कैसे नाम आया है और कैसे नाम दिया गया है, लेकिन मेरी जानकारी में ये बातें नहीं है कि मैंने किसी ऐसे पेपर पर सिग्नेचर किया है। तो आखिरी सवाल हम जानते हैं कि सिद्दीकी साहब, अब आप खुलकर बताइए, क्या आप पूरी तरीके से लालू यादव के साथ हैं या आने वाले वक्त में किसी मुद्दे पर आप जा सकते हैं? देखिए, हमारा जो व्यक्तित्व है, क्यास लगाते रहते हैं लोग 50 तरह का। हमने पहले भी कहा था, एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि क्या मधुबनी से आप चुनाव लड़ेंगे, हमने कहा दावेदारी सबसे मजबूत हमारी है और हम राजद में सबसे कम वोट से आ रहे हैं, और किसी परिस्थितिवश अगर नहीं मिलता है तो हमें तकलीफ होगी। इसका यह कतई मतलब नहीं हुआ कि हम दल छोड़ रहे हैं या दल से बाहर जा रहे हैं। सारे लोग सिद्दीकी जी इन लालू यादव के साथ पीछे मजबूती से खड़े हैं, आपको पूरा निश्चित। तो ये थे अब्दुल बारी सिद्दीकी विधायक दल के नेता, उनके साथ 4 और विधायक, साफ तौर पर कहते हुए कि वो लालू यादव के साथ अभी भी पूरी तरीके से चट्टान की तरह खड़े हैं, हालांकि कई विधायकों का रुख साफ तौर पर ढुलमुल भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक।